स्नो व्हाइट और सात बोने। एक समय की बात है, एक रानी अपने महल की खिड़की पर बैठी सिलाई कर रही थी। बाहर आसमान से बर्फ की बारिश हो रही थी। काली लकड़ी से बनी खिड़कियों पर बर्फ की सफेद परत जम गई थी। सिलाई करते हुए रानी की उंगली में सुई चुभ गई। खून की लाल बूंदे सफेद बर्फ पर गिरी। रानी ने सोचा, काश मेरी एक बेटी होती जिसका चेहरा बर्फ सा सफेद होता, होठ खून की बूंदों जैसे लाल और बाल इस खिड़की के रंग जैसे काले होते। कुछ दिनों बाद रानी की इच्छा पूरी हुई और उसने बच्ची का नाम रखा स्नो व्हाइट। लेकिन बच्ची को जन्म देते ही रानी की मौत हो गई और राजा ने दूसरी शादी कर ली। नई रानी जितनी खूबसूरत थी उतनी दुष्ट भी थी। कोई औरत उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो, ये ख्याल उसे बर्दाश्त नहीं होता था। रानी के कमरे में एक जादुई आईना था। वो रोज उस आईने में देखती और पूछती, जादुई आईने, ये तो बता, सबसे खूबसूरत कौन है भला? आईना जवाब में कहता, आप ही हो रानी, सबसे खूबसूरत। दिन महीनों में और महीने साल में बदल गए और हर नया दिन स्नो व्हाइट की खूबसूरती में और निखार लाता। और एक सुबह रानी ने जादुई आईना देखा और उससे पूछा, जादुई आईने, ये तो बता, सबसे खूबसूरत कौन है भला? आप हो खूबसूरत, ये बात है सच, मगर सबसे सुंदर स्नो व्हाइट है अब। रानी गुस्से और ईर्ष्या से आग बबूला हो गई। उसने अपनी सौतेली बेटी से तुरंत छुटकारा पाने का मन बना लिया। उसने एक शिकारी को बुलाया और शिकारी को आदेश दिया कि वो स्नो व्हाइट को जंगल के अंदर ले जाकर मार दे, सबूत के तौर पर उसका दिल निकाल कर लेकर आए, जिससे रानी को यकीन हो जाए कि स्नो व्हाइट मर चुकी है। शिकारी स्नो व्हाइट को दूर घने जंगल में ले गया, पर जैसे ही उसने स्नो व्हाइट को मारने के लिए हथियार उठाया, उसे स्नो व्हाइट की सुंदरता और सौम्यता का एहसास हुआ। मैं तुम्हें नहीं मार सकता, पर मैं तुम्हें महल वापस भी नहीं ले जा सकता, और अगर यहाँ छोड़ा तो जंगली जानवर तुम्हें बहुत जल्द खा जाएंगे। उसने स्नो व्हाइट को जंगल में छोड़ दिया और वापस जाते वक्त उसने एक हिरण का शिकार किया, फिर उस हिरण का दिल निकाल कर सबूत के तौर पर रानी को दे दिया। बेचारी स्नो व्हाइट काले घने जंगल में डर के मारे भटकती रही। झाड़ियों के पीछे जंगली शेरों की नजर स्नो व्हाइट पर पड़ी, पर मानो जैसे करिश्मा उन्होंने स्नो व्हाइट पर हमला नहीं किया। जब रात हुई तब स्नो व्हाइट को जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा घर नजर आया। उसने आवाज लगाई पर किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने दरवाजा खटखटाया पर किसी ने नहीं खोला। उसने दरवाजा खोला और भीतर चली गई। नीचे छत वाले इस मकान में उसने लकड़ी की छोटी मेज और छोटी कुर्सियां देखी। उस मेज पर सात नाश्ते की कटोरियां, सात चम्मच और सात प्याले थे। ये घर सात बोनों का था। वो पहाड़ी पर सोने की तलाश में खुदाई का काम करते थे। स्नो व्हाइट को तेज भूख लगी थी। वो कुर्सी पर बैठी और उसने हर कटोरी में से थोड़ा थोड़ा नाश्ता किया और हर प्याले में से थोड़ा थोड़ा दूध भी पिया। फिर वो ऊपर की मंजिल पर गई, जहां उसे एक कमरा मिला। कमरे में सात छोटे छोटे पलंग थे। वो एक पलंग पर जाकर लेट गई। थोड़ी ही देर में वो गहरी नींद में सो गई। जैसे ही चांद आसमान में खिला, वो सात बौने घर पर लौट आए। हर एक ने एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे में लालटेन पकड़ रखी थी। हर एक की कमर पर चमड़े का थैला था जिसमें सोना था। जैसे ही उन्होंने लालटेन मेज पर रखी, उन्होंने देखा कि किसी ने उनके घर में घुसपैठ की है। देखो, किसी ने हमारा खाना खाया। हाँ हाँ, किसी ने हमारा खाना खाया है, वो चिल्लाने लगे। फिर वो ऊपर अपने कमरे की ओर गए। स्नो व्हाइट को पलंग पर सोते देख वो चौंक गए। ये परी जैसी सुंदर लड़की कौन है? ताज्जुब की बात है, कौन है ये? वो एक दूसरे से लड़की के बारे में पूछने लगे। स्नो व्हाइट ने जाकर अपनी कहानी बताई। बौनों को उसके लिए दुख हुआ और दया भी आई। उन्होंने स्नो व्हाइट को अपने साथ ही रहने के लिए कहा। उसे घर संभालने का काम सौंपा गया। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि जब वो पहाड़ी पर अपने काम पर जाए तो वो किसी के लिए भी दरवाजा ना खोले, क्योंकि उन्हें शक था कि अगर दुष्ट रानी को पता चला कि स्नो व्हाइट जिंदा है तो वो उसे फिर से मारने का प्रयास करेगी। स्नो व्हाइट उन सात बौनों के साथ रहने लगी। वो घर की और कमरों की सफाई करती, बर्तन मांजती और सबके लिए खाना भी बनाती। बौनों के साथ वो बहुत खुश थी।
थोड़ी ही दिनों में वो अपनी सौतेली माँ की दुष्टता को भूल चुकी थी। एक दिन रानी ने फिर से जादुई आईने में देखकर पूछा, जादुई आईने, ये तो बता सबसे खूबसूरत कौन है भला? आप हो खूबसूरत, इसमें क्या है शक? स्नो वाइट है ज्यादा सुंदर, ये बात अब तक है सच। हमें जंगल की एक चिड़िया ने बताया, सात बौनों के साथ ग्रह बसाया। दुष्ट रानी गुस्से से लाल हो गई। उसे पता चल गया कि शिकारी ने उसे धोखा दिया था। अब उसने सोचा कि वो स्नो वाइट को अपने हाथों से मारेगी। उसने भेष बदला और रूप लिया एक मुसाफिर का और जंगल में उन बौनों के घर की ओर चल पड़ी। स्नो वाइट खिड़की पर बैठी बौनों के फटे कपड़े सी रही थी। दुष्ट रानी ने आवाज बदलकर उसे बुलाया, सुई ले लो, धागा ले लो, कपड़े के लिए चमकीले रिबन ले लो। रंग बिरंगी रिबन देकर स्नो वाइट बहुत खुश हो गई। वो बौनो की दी हुई चेतावनी को भूल गई थी और दौड़कर दरवाजा खोलने के लिए पहुंची। तुम्हारा लिबास तो बहुत अच्छा है, पर उस पर लगा ये रिबन ठीक से बंधा नहीं है। मुसाफिर के भेष में दुष्ट रानी ने कहा, लाओ मैं इसे ठीक से बांध दूं। ये कहते ही रानी ने स्नो वाइट का लिबास इतना कस के बांधा कि बेचारी स्नो वाइट सांस भी नहीं ले पा रही थी। सांस ना ले पाने की वजह से स्नो वाइट जमीन पर ऐसे गिरी मानो शरीर से जान निकल गई। दुष्ट रानी खुश होकर अपने महल की ओर भागने लगी। रात को जब वो सात बौने घर वापस आए, उन्होंने देखा स्नो वाइट जमीन पर निर्जीव पड़ी हुई थी। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, उन्हें पता चल गया कि क्या हुआ था। उन्होंने कसके बंदी रिबन को चाकू के सहारे काट दिया। जैसे ही रिबन कटी, स्नो वाइट की सांसें वापस आ गई और स्नो वाइट मौत के मुंह से बाहर आ गई। उसने बौनों को बताया जो कुछ भी उसके साथ हुआ। बौनों को पता चल गया कि वो औरत और कोई नहीं, भेष बदली हुई दुष्ट रानी थी जो स्नो वाइट को अब भी मारना चाहती थी। याद रखो, कभी किसी के लिए दरवाजा मत खोलो। और स्नो वाइट ने वादा किया कि आज के बाद वो किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलेगी। उस रात दुष्ट रानी फिर से जादुई आईने के पास आई। जादुई आईने, ये तो बता सबसे खूबसूरत कौन है भला? आप हो खूबसूरत, इसमें क्या है शक? पर स्नो वाइट है ज्यादा, ये बात अब तक है सच। गुस्से में दुष्ट रानी महल के तहखाने की तरफ भागी, जहाँ उसने अपने गुप्त काले जादू की दुनिया बसा रखी थी। वहाँ उसने एक जहरीला सेब बनाया। सेब एक ओर से हरा और दूसरी ओर से गहरा लाल था। सेब का हरा हिस्सा तो खाने लायक था, लेकिन अगर जहरीला लाल हिस्सा खाया तो इंसान की मौत पक्की। दुष्ट रानी ने फिर से भेष बदला। इस बार एक सेब बेचने वाली औरत का भेष धारण किया, मैले कपड़े और हाथों में एक सेबों से भरा थैला लेकर। वो रंग बिरंगा जादुई सेब उसके थैले में सबसे ऊपर रखा था। वो जंगल में बौनों के घर पहुंची। स्नो वाइट उस वक्त एक कुएं से पानी निकाल रही थी। अनजान औरत को अपने पास आता देख वो घबरा गई और दौड़कर घर के अंदर चली गई। उसने झट से दरवाजा बंद किया और उसने उस औरत की आवाज सुनी, सेब ले लो, ताजे मीठे सेब ले लो। ये सुन स्नो वाइट के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, अगर मैं खिड़की खोलूं और दरवाजा बंद रखूं, तब तो मुझे कोई खतरा नहीं। उसने घर की खिड़की खोल दी और बाहर झांक कर बोली, मुझे तुम्हारी सेब दिखाओ। रानी ने कहा, ये वाला सेब खाओ, ये सबसे ताजा और सबसे मीठा है। ये कहते ही रानी ने जहरीला सेब थैले से निकाला। स्नो वाइट सोच में पड़ गई। ये देखकर रानी बोली, घबराओ मत, इसे खा लो। देखो मैं इसे दो हिस्सों में बांट देती हूँ, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। दुष्ट रानी सेब का हरा हिस्सा खाने लगी और लाल हिस्सा उसने स्नो वाइट को दे दिया। स्नो वाइट सेब खाने से अपने आप को रोक ना पाई, पर जैसे ही उसने खाया वो जमीन पर गिर गई। उस रात दुष्ट रानी ने जादुई आईने को साफ किया और फिर से पूछा, जादुई आईने, ये तो बता सबसे खूबसूरत कौन है भला? इस धरती से लेकर आसमान तक आपसे खूबसूरत कोई नहीं है अब। जब बौने रात को घर वापस लौटे, उन्होंने स्नो वाइट को जमीन पर मरा हुआ पाया। निर्जीव स्नो वाइट के शरीर के लिए उन्होंने एक कांच का ताबूत बनाया और आसपास फूलों के पौधे लगा दिए, ताकि वो दिन रात ताबूत की निगरानी कर सके।
एक दिन एक युवा राजकुमार घोड़े पर बैठकर अपने शिकारियों के साथ वहां आया। जैसे ही उसकी नजर कांच के ताबूत पर पड़ी, वो घोड़े से नीचे उतर गया। जब उसने ताबूत के अंदर लेटी उस लड़की को देखा, वो हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो गहरी नींद में सो रही है। उसका चेहरा बर्फ सा सफेद था, होंठ खून के रंग जैसे लाल और बाल जंगल की लकड़ियों जैसे काले थे। राजकुमार उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गया था। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे ये ताबूत अपने साथ ले जाने दीजिए। बदले में मैं आपको बहुत सारा सोना दूंगा, इतना कि सारी जिंदगी पहाड़ियों को खोदकर आप नहीं निकाल पाओगे। नहीं नहीं, ये लड़की हमारे लिए सारी दुनिया के सोने से भी ज्यादा अनमोल है। जब उन्होंने देखा कि राजकुमार उनकी प्यारी सी स्नू व्हाइट के प्यार में पड़ चुका है, उन्होंने वो ताबूत राजकुमार को भेंट स्वरूप दिया। राजकुमार ने अपने शिकारियों से कहा कि वे इस ताबूत को संभाल कर ले आए। पर जैसे ही शिकारी ताबूत को उठाकर ले जाने लगे, एक शिकारी का पांव फिसला और उस धक्के के कारण स्नो व्हाइट के मुंह से जहरीला सेब बाहर निकल आया। जैसे ही जहरीले सेब का टुकड़ा बाहर निकला, स्नो व्हाइट चिर निद्रा से जाग गई और दंग होकर देखने लगी। स्नो व्हाइट के साथ जो भी हुआ था वो राजकुमार ने उसे बताया और उसे अपनी रानी बनाने का प्रस्ताव भी रखा। और स्नो व्हाइट, जिसे राजकुमार पहली नजर में ही पसंद आ गया था, उसने शादी के लिए हाँ कर दी। उनकी शादी की खुशी में पूरे राज्य को दावत दी गई और तो और दुष्ट रानी को भी न्योता भेजा गया। जैसे ही वो दावत के लिए तैयार हुई, वो जादुई आईने के पास गई और आईने को जाकर अपने बारे में पूछा। जादुई आईने, ये तो बता, सबसे खूबसूरत कौन है भला? कोई नहीं था आपसा, न दासी न रानी, पर स्नो व्हाइट तो अब बन गई आपसे भी बड़ी महारानी। आपकी सुंदरता किसी के काम न आई, स्नो व्हाइट की अच्छाई सबके दिल पर है छाई। जैसे ही रानी ने ये शब्द सुने, वो गुस्से में आ गई और उसने आईने को जमीन में पटक कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जलन के मारे रानी का चेहरा लाल पड़ गया था। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसी वजह से उसने अपने प्राण छोड़ दिए। पर स्नो व्हाइट और राजकुमार साथ साथ हमेशा खुश रहने लगे। सिंड्रेला। एक बार एक बहुत अमीर आदमी था। उसकी पत्नी शादी के कुछ ही सालों बाद भगवान को प्यारी हो गई और पीछे छोड़ गई एक प्यारी सी नन्ही सी बच्ची। कुछ सालों बाद उस अमीर आदमी ने फिर से शादी की, पर उसकी दूसरी पत्नी बहुत ही लालची और घमंडी थी। वो अपनी दो नकचड़ी बेटियों के अलावा किसी से प्यार नहीं करती थी। दोनों बेटियों को सिंड्रेला से बहुत ईर्ष्या होती थी। बहुत जल्द सौतेली माँ और सौतेली बहनों ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया और उस नन्ही सी बच्ची को घर का नौकर बना दिया। वो बर्तन मांजती, झाड़ू पोछा करती। बेचारी सूरज निकलने से पहले जाग जाती और जमीन पर गिरी कोयले की राख इकट्ठा करती, जिसकी वजह से उसके कपड़े हमेशा मैले रहते। वो घर से बाहर ताड़पत्री से बनी झोपड़ी में रहती और सूखे घास के ऊपर सो जाती। सर्दियों के समय झोपड़ी की छत से बर्फ अंदर आ जाती और पूरी झोपड़ी पर बर्फ की सफेद परत जमा हो जाती। इस भीषण सर्दी से बचने के लिए वो रसोई घर में जलते हुए कोयले के सामने सो जाती। कोयले की राख सारी रात उस पर उठती और उसके सारे कपड़े मैले हो जाते। इसी वजह से उसकी दोनों बहनें उसे सिंड्रेला कहकर पुकारती। सिंड्रेला यानी कोयले की राख लगे कपड़ों वाली। असल में दोनों सौतेली बहनें सिंड्रेला से इसलिए जलती थी क्योंकि सारा दिन घर में मजदूरी करने के बाद इतने मैले कपड़े पहनने के बावजूद सिंड्रेला उन दोनों से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। एक दिन राजा के बेटे ने महल में दावत बुलाई। उसने राज्य के सारे प्रभावशाली लोगों को दावत में आने का आमंत्रण भेजा। सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनों को भी न्योता भेजा गया। दोनों नकचड़ी बहनें दावत में जाने की तैयारी करने लगी। नए कपड़े सिलवाए जाने लगे, नए गहने बनवाए जाने लगे। इन सारे कामों की जिम्मेदारी उन्होंने सिंड्रेला को दे दी। उन रेशम के कपड़ों पर सिंड्रेला जरी लगाती, उन्हें ध्यान से धोकर इस्त्री करती। मैं दावत में लाल जरी वाली ड्रेस पहनूंगी, बड़ी बहन खुश होकर बोली। और छोटी ने कहा, मैं वो सुनहरे रंग का ड्रेस पहनूंगी और साथ में ये कीमती हीरों के जेवर बहुत जचेंगे मेरे ड्रेस के साथ। बाल सवारने के लिए सबसे महंगे नाई बुलाए गए, नकली बाल लगवाए गए,
शहर की सबसे महंगी दुकानों से दर्जियों को कपड़े सीने बुलाया गया। चेहरा चमकाने के लिए खूब महंगे लाली पाउडर मंगवाए गए। जब सिंड्रेला उन्हें तैयार करने लगी तो बड़ी बहन ने उसे नीचा दिखाते हुए पूछा, तुम नहीं जाना चाहती दावत में? ओ, पर तुम कैसे जा सकती हो? तुम्हारे ये गंदे कपड़े देखकर वहाँ के सारे लोग तुम पर हंसने लगेंगे। सिंड्रेला की जगह कोई और होता तो ऐसी बातें सुनकर उन लड़कियों के बाल बिगाड़ देती, पर सिंड्रेला एक बहुत नेक दिल की लड़की थी, उसने ऐसा नहीं किया। दोनों सौतेली बहनें दावत में अच्छी दिखे उसकी उसने पूरी कोशिश की। दावत वाले दिन सौतेली बहनें अपने कमरे में आईने के सामने घंटों तक अपने आप को देखती रहती और खुद की प्रशंसा करती रहती। आखिरकार दावत पर जाने का समय नजदीक आ गया। वो दोनों अपनी बग्घी में बैठकर खुशी खुशी निकल पड़ी राजा के महल की ओर। सिंड्रेला आंखों में उदासी लिए उनको जाते हुए देखती रही। वो बेचारी फिर से रसोई घर में जलते हुए कोयले के पास जाकर बैठ गई। अकेलेपन का दुख सिंड्रेला से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो रोने लगी। अचानक एक आवाज आई और एक परी खिड़की से रसोई घर में दाखिल हुई। उसकी आंखें चमकदार थी और उसे पंख भी लगे थे। उसके पास एक जादुई छड़ी थी। उसने सिंड्रेला से उसकी उदासी का कारण पूछा। काश मैं भी। सिंड्रेला इतना बोल के जोर जोर से रोने लगी। क्या तुम भी उसी दावत में जाना चाहती हो? तो तुम जरूर जाओगी। मैं तुम्हारी माँ की दोस्त हूँ और परियों की नगरी से तुमसे मिलने आई हूँ। तुम चिंता मत करो और अब रोना बंद करो और बगीचे से एक बड़ा सुनहरा कद्दू लेकर आओ। सिंड्रेला हाथ में लालटेन लेकर बगीचे के बीच गई और लालटेन की रोशनी से कद्दू ढूंढने लगी। उसने बगीचे का सबसे बड़ा और अच्छा कद्दू चुना और उस कद्दू को परी के पास लेकर आई। परी ने अपनी जेब से एक चांदी की छुरी निकाली। उसने कद्दू को अंदर से खोखला कर दिया और कद्दू का बाहरी हिस्सा रास्ते पर रखा। अब उसने उस कद्दू पर अपनी जादुई छड़ी घुमाई। छड़ी घुमाते ही कद्दू एक आलीशान बग्घी में बदल गया। सिंड्रेला ने अपनी जिंदगी में काफी बग्घियां देखी थी। उसकी सौतेली बहने जिस आलीशान बग्घी में बैठकर दावत में गई थी वो बग्घी भी उसने देखी थी, मगर इतनी आकर्षक बग्घी उसने कभी नहीं देखी थी। सोने की बनी बग्घी और आकार कद्दू जैसा। फिर परी ने उसे घर के अंदर से चूहे पकड़ने का पिंजरा लाने को कहा। जैसे ही सिंड्रेला पिंजरा लाने को गई उसने देखा पिंजरे में 6 जिंदा चूहे हैं। परी ने उससे पिंजरे का दरवाजा खोलने को कहा। जैसे ही चूहे पिंजरे से बाहर निकलकर दौड़ने लगे परी ने उन पर भी जादुई छड़ी घुमाई। सिंड्रेला ये देखकर चौंक गई। चूहे एक एक करके ताकतवर घोड़ों में बदल गए। थोड़ी ही देर में घोड़े बग्घी से जुड़ गए। 6 आकर्षक घोड़े जिनका रंग चमकदार था और रेशमी बाल थे। हमें एक बग्घी चलाने वाला भी चाहिए होगा, परी ने सिंड्रेला से कहा, जिसके जवाब में सिंड्रेला ने कहा, चूहा पकड़ने वाला एक पिंजरा उस झोपड़ी में भी है, मैं देख कर आऊं। अगर उसमें भी कोई चूहा हो तो हम उसे बग्घी चलाने वाले में बदल सकते हैं। सिंड्रेला पिंजरा लेकर बाहर आई और पिंजरे में उसे मिला एक छोटा लेकिन मोटा चूहा जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी। परी ने उसे एक मौजीले मोटे आदमी में बदल दिया। इस आदमी की मूछें बड़ी प्यारी और आकर्षक थी। परी ने सिंड्रेला से कहा, एक बार फिर से बगीचे में जाओ। जिस बर्तन से तुम पौधों को पानी देती हो उसके पास तुम्हें 6 छिपकलियां मिलेगी, उसे मेरे पास ले आओ। जैसे ही सिंड्रेला उन छिपकलियों को परी के पास लाई परी ने उन्हें 6 सिपाहियों में बदल दिया। वो बग्घी के पीछे जाकर खड़े हो गए, भाला पकड़कर ऐसी निगरानी करने लगे जैसे पूरी जिंदगी यही काम करते आए हों। इसके बाद परी ने सिंड्रेला से पूछा, क्या अब तुम खुश हो? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, सिंड्रेला ने कहा, पर मैं इन गंदे कपड़ों में दावत पर कैसे जा सकती हूँ? परी ने जादुई छड़ी से सिंड्रेला को छुआ और सिंड्रेला के कपड़े भारतीय रेशम से बने बेहद खूबसूरत लिबास में बदल गए, जिन पर 2 हंसों का चित्र था। पूरे लिबास में कीमती मोतियों की चमक थी। चांदनी रात में लिबास खूब चमक रहा था।
सिंड्रेला के सर पर फूलों और हीरों से बना एक मुकुट सज गया और उंगलियों में बेशकीमती हीरे और सोने से बनी अंगूठी सज गई। फिर परी ने सिंड्रेला के पुराने फटे चप्पलों को कांच से बने अति आकर्षक जूतों में बदल दिया। जैसे ही सिंड्रेला अपनी बग्गी में बैठकर महल की ओर जाने लगी, परी ने उससे कहा, याद रहे आधी रात होने से पहले तुम्हें वापस आना होगा। अगर तुम एक क्षण भी ज्यादा रुकी तो बग्गी फिर से कद्दू बन जाएगी, घोड़े और बग्गी चलाने वाला फिर से चूहे बन जाएंगे और सारे सिपाही छिपकली और कपड़े वही पुराने। सिंड्रेला ने वादा किया कि वो रात 12 बजे से पहले दावत से निकल जाएगी। इसके बाद वो खुशी खुशी बग्गी में बैठकर महल की ओर रवाना हो गई। जैसे ही सिंड्रेला ने बग्गी से बाहर कदम रखा, राजा और राजकुमार सिंड्रेला की खूबसूरती देखकर स्तब्ध रह गए। लोगों ने सिंड्रेला को देखकर नाचना बंद कर दिया, कलाकारों ने संगीत बजाना छोड़ दिया। सबकी नजरें सिंड्रेला की खूबसूरती को देखकर चौंक गई थी। राजकुमार ने सिंड्रेला के साथ डांस करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सिंड्रेला ने स्वीकार किया। कलाकार फिर से अपनी धुन बजाने लगे, पर इस बार उनकी धुन पहले से ज्यादा मीठी और सुरीली थी। महाराज, महारानी और दावत में मौजूद सारे लोग सिंड्रेला की खूबसूरती की तारीफ करने लगे और वो ये सोचने लगे, आखिर ये लड़की है कौन? राजकुमार की नजर सिंड्रेला पर से हट नहीं रही थी। दोनों एक दूसरे में इस कदर खो चुके थे कि सिंड्रेला को समय का होश ही नहीं रहा। जैसे ही घड़ी में 12 बजने वाले थे, सिंड्रेला ने डर कर एक हिरन की तरह महल से बाहर दौड़ लगाई। राजकुमार ने भी उसके पीछे दौड़ लगाई, मगर उसे पकड़ न पाया। महल की सीढ़ियों से नीचे दौड़ते वक्त सिंड्रेला के पांव से एक जूता निकल गया। राजकुमार ने वो जूता उठाकर अपने पास रख लिया। महल के द्वारपालों से पूछा गया कि क्या उन्होंने किसी राजकुमारी को बाहर निकलते हुए देखा। द्वारपालों ने कहा कि उन्होंने किसी राजकुमारी को नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ एक मैले कपड़ों में एक लड़की को यहाँ से जाते हुए देखा, जो शायद कोई दासी होगी। जब सौतेली बहनें दावत से घर वापस लौटी तो उन्होंने सिंड्रेला से कहा कि राजकुमार दावत में आई उस अनजान लड़की को अपना दिल दे बैठे हैं। वो लड़की अचानक ही दावत से गायब हो गई, लेकिन बेचारा राजकुमार अपने हाथ लगे उस लड़की के जूतों को बहुत देर तक तकता रहा। राजकुमार ने हुक्म किया कि उस जूते को रेशम की गद्दी पर रखा जाए और राज्य के सभी घरों में ले जाया जाए, और साथ ही ये ऐलान किया जाए कि जिस लड़की के पांव के नाप का ये जूता होगा, उस लड़की के साथ राजकुमार शादी करेंगे। राज्य की हर कुंवारी लड़कियों को जूता पहनकर देखना था। शुरुआत राजकुमारियों को जूता पहनाने से हुई। सौतेली बहनों की भी बारी आई। राजकुमार का सिपाही जूतों का नाप लेने घर पहुंचा। पहले बड़ी बहन ने जूता पहनने की कोशिश की, उसने बड़ा जोर लगाया पर जूता उसके लिए बहुत छोटा था। बड़ी बहन के मन में राजकुमार से शादी करने का लालच इतना था कि उसने पांव छोटा करने के लिए अपने पांव की उंगलियां काट दी। ऐसा करने से पांव आसानी से जूतों में चला गया, पर सिपाही ने खून देखते ही उसकी चोरी पकड़ ली और उसे नामंजूर कर दिया। फिर छोटी बहन को जूता पहनाया गया, पर उसकी एड़ियां बहुत बड़ी थी, उसने भी चाकू से अपनी एड़ियों को काट डाला ताकि जूता उसके नाप का हो जाए। पर जब उसने जूता पहनकर चलने की कोशिश की, तब राजकुमार के सिपाही को उस पर शक हुआ और उसकी भी चोरी पकड़ी गई। सिंड्रेला हंसते हंसते बोली, क्या मैं भी ये जूता पहनकर देख सकती हूँ? सौतेली बहनों के लाख मना करने पर भी महल से आए सिपाही ने सिंड्रेला को जूता पहनने का आग्रह किया। जैसे ही सिंड्रेला ने अंदर पांव डाला, जूता उसके पांव पर ऐसा चढ़ा जैसे मोम का बना हो, बिल्कुल उसी के नाप का। फिर सिंड्रेला ने अपनी जेब से दूसरा जूता भी निकाला और दूसरे पांव में पहन लिया। उसी वक्त उसे वो परी दिखाई दी और उस परी ने अपनी जादुई छड़ी से सिंड्रेला के कपड़ों को इतने खूबसूरत कपड़ों में बदल दिया जो कभी किसी ने देखे ना हो। सौतेली बहनों ने तुरंत पहचान लिया कि दावत में आई वो खूबसूरत लड़की और कोई नहीं, सिंड्रेला ही थी।
उन्होंने सिंड्रेला के पाँव पकड़कर अपने बुरे बर्ताव की माफी मांगी। सिंड्रेला ने उन्हें चूमकर कहा कि वो उन्हें तभी माफ करेगी जब वो उसे भी अपनी बहन मानेंगी। सौतेली बहनों ने वादा किया कि आज से वो उसे सगी बहन का ही सम्मान देंगे। सिंड्रेला को राजकुमार के पास लाया गया। राजकुमार को वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगी। कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी हो गई। सिंड्रेला जितनी खूबसूरत थी उतनी ही नेक दिल भी थी। उसने अपनी बहनों के लिए बहुत अच्छे पति ढूंढे जो अमीर भी थे और अच्छे भी। और फिर सिंड्रेला और राजकुमार हमेशा साथ साथ खुश रहे। अलादीन और उसका चिराग। बहुत साल पहले अलादीन नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। चीन के एक शहर में अलादीन की माँ चरखा चलाती थी। रात दिन मजदूरी करके ब्रेड और दूध के लिए पैसे कमा लेती थी, खुद को और अलादीन को जिंदा रखने के लिए। लड़का पूरे दिन खेलता रहता। उसको पढ़ाने के लिए कोई भी नहीं था। उसे खुद का नाम लिखना भी नहीं आता था। वो हमेशा भूखा ही रहता। उसके दोस्त भी भिखारी और चोर ही थे। वो सपना देखता कि एक दिन जादूगर आएगा और उसे दुनिया का सबसे धनवान और सुंदर पुरुष बनाएगा। अलादीन 15 साल का था। एक दिन वो घर के बाहर आया, तभी एक अनजान व्यक्ति वहां से गुजरा जो अलादीन को खड़े होकर देखता ही रहा। वो काला जादू करने वाला अफ्रीका का जादूगर था। वो कब से अलादीन को टकटकी लगाकर देख रहा था। उसे अपने प्लान के लिए एक ऐसे लड़के की तलाश थी जो कभी भी वापस ना आए तो भी कोई उसे याद ना करे। तुम मुस्तफा के बेटे हो ना? हाँ जी, मैं ही हूँ। मेरे पिता बहुत साल पहले गुजर गए हैं। वो एक गरीब दर्जी थे। उनके जाने के बाद हम तो और गरीब हो गए। बेटा, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। मैं बहुत साल से विदेश में घूम रहा हूँ, पर अब मैं तेरा और तेरी मम्मी का ध्यान रखने के लिए वापस आया हूँ। तुझे अब कभी भी भूखा सोना नहीं पड़ेगा। उसने लड़के के हाथ में थोड़े सोने के सिक्के दिए और वाइन और खाना लेने को कहा, जिससे वो घर पर आकर दावत कर सके। जादूगर ने अलादीन की मम्मी को वादा किया कि वो अलादीन को अपनी कपड़ों की दुकान में नौकरी पर रख लेगा। उसने अलादीन को नए कपड़े दिए और शहर जाने के लिए खुद के साथ आने के लिए आमंत्रित किया। वो शहर के सबसे धनी व्यापारी से मिले और महल भी देखा। सूरज सर पर चढ़ाया था और गर्मी बढ़ने लगी थी और वो थोड़ा थक भी गए थे। और जादूगर अलादीन को फूलों के भरे बगीचे में ले आया। जादूगर अलादीन को बड़े पत्थर तक भी ले गया और आग लगाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने को कहा। फिर थोड़ी लकड़ियां जमाई और आग लगाई। उसमें से गहरा धुआं निकला और सांप की जैसे फैलने लगा। जादूगर ने बहुत सारे अनजान शब्द उच्चारित किए और तांबे की अंगूठी पत्थर में से निकली। अलादीन, इस दुनिया में तू एक ही है जो खजाना ले सकता है जो उस पत्थर में छुपा हुआ है। उसे उठा, सीढ़ियां उतर, तुझे इस गुफा में सब देखने को मिलेगा। वो तुझे एक बगीचे की तरफ ले जाएगा जो इंसान के सपनों से भी ज्यादा खजाने से भरा हुआ है। तुझे जो पसंद है ले ले। और मेरी इतनी इच्छा है कि तू बगीचे की सीढ़ी पर से जलता हुआ चिराग लेकर आ। ले ले, ये अंगूठी ले, ले बेटा, और उंगली में पहन ले। वो तुझे मुश्किलों से बचाएगी। अलादीन ने पत्थर उठाया और नीचे गुफा में गया। हीरा, पन्ना और माणिक जैसे रत्न नीचे जमीन पर गिरे हुए थे। दुनिया की सभी चीजों से भी ज्यादा सुंदर हीरे उसने कभी नहीं देखे थे, और वो भी ऐसे रंगीन। पर वो बहुत खूबसूरत थे, इसलिए जितना हो सके उतने हीरे उसने उठा लिए। फिर उसने चिराग देखा और उसे संभाल कर खुद की शर्ट में छुपा दिया और गुफा से बाहर निकलने लगा, जहां जादूगर उसकी राह देखकर खड़ा था। अलादीन, मुझे वो चिराग दे दे ताकि मैं तुम्हें बाहर निकालूं। नहीं,
पहले मुझे बाहर निकालो, तभी मैं तुम्हें ये चिराग दूंगा। बहुत समय तक दोनों बहस करने लगे। तब तक जादूगर गुस्सा हो गया और पत्थर से दरवाजा बंद कर दिया और गायब हो गया। अलादीन इतना उत्साहित था कि वो तो डरना ही भूल गया था। अब वो अंधेरे कमरे में बंद हो गया था और अब वो डरने लगा। तभी अचानक से अंगूठी घिसने लगा जो उसे जादूगर ने दी थी। उसी वक्त वहां एक बड़ा जीनी प्रकट हुआ। वो इतना बड़ा जीनी था कि पूरी गुफा में समा गया। मैं इस अंगूठी का गुलाम हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए मालिक? मुझे घर जाना है। उसने अपने आप को अपनी मम्मी के सामने खड़ा हुआ पाया। दोनों ने खुशी से एक दूसरे को गले लगा लिया। अलादीन ने उसके कारनामे बताए और पता चला कि वो कितना भूखा है। उसने खाने के लिए पूछा। उसकी मम्मी फिर से रोने लगी क्योंकि घर में कुछ भी खाने को नहीं था और कुछ खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। माँ, हम ये चिराग बेचकर पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। उसकी माँ बैठी और रगड़ कर चिराग को साफ करने लगी। उसी वक्त उस चिराग से बहुत बड़ा जीनी प्रकट हुआ जो जादूगर के द्वारा दी हुई अंगूठी के गुलाम से भी बहुत ज्यादा बड़ा था। आपको क्या चाहिए मालिक? थोड़ा खाना। जीनी गायब हो गया और उसी वक्त बहुत सारे फल और मिठाई की थालियों के साथ प्रकट हो गया और थालियां वहां रखकर फिर से गायब हो गया। जब अलादीन अपनी माँ का ख्याल रख रहा था जो जीनी को देखकर दंग रह गई थी। खाना उनका 2 दिन चला और अलादीन वो चांदी की थालियों को लेकर बाजार ले गया और बहुत सारे पैसों में बेच आया जो पूरे साल खाने के लिए काफी थे। इसी तरह उसने बहुत साल निकाले। चिराग और जीनी का उपयोग करके अलादीन एक प्रभावशाली पुरुष लगने लगा था। उसने अपना समय व्यापारी के पास सीखने में दिया। एक दिन बाजार में उसने सुल्तान की बेटी को देखा जिसे उसके नौकर रास्ते में डोली में लेकर जा रहे थे। वो इतनी सुंदर थी कि उसी वक्त उसके प्यार में पड़ गया और शादी करने के बारे में सोच लिया। जादुई बगीचे में से मिले हीरे उसने इकट्ठे किए जिसकी असली कीमत उसे भी नहीं पता थी। उसने अपनी माँ को सुल्तान के पास ले जाने के लिए बोला और उसकी बेटी का हाथ शादी के लिए मांगने को बोला। जब सुल्तान ने वो सब हीरे देखे तो उसे भी जानने की इच्छा हुई। आपके बेटे को बोलो कि वो इससे 40 गुना ज्यादा हीरे जवाहरात हाजिर करे तो ही मैं अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दूंगा। माँ भाग कर आई और महल की खुशी के समाचार दिए। अलादीन ने जीनी को आदेश दिया कि वो भेंट हाजिर करे और उसी वक्त 40 काले गुलाम 40 सफेद गुलाम हाजिर हो गए। सबके पास हीरे, मोती, पन्ना, माणिक और जेवरात थे और अलादीन के लिए एक सुंदर पोशाक थी जो सभी राजाओं से ज्यादा सुंदर थी और एक अति सुंदर घोड़ा जो हीरे मोती वाली बग्गी के साथ हाजिर था। जब वो रास्ते पर महल जाने के लिए निकला, गुलाम सोने के सिक्के लोगों पर फेंक रहे थे। सुल्तान अलादीन को एक ही बार में शादी के वादे को पूरा करने के लिए और शहर को धनवान बनाने के लिए बहुत खुश हो गया। राजा ने मंत्री को बुलवाया और शादी के दस्तावेज बनवाने का आदेश दिया। फिर अलादीन वापस गया और चिराग घिसने लगा। क्या आदेश है मालिक? मैं तुम्हें आदेश करता हूँ कि आज की रात सुल्तान के महल के सामने एक विशाल महल बनाओ जो मेरी राजकुमारी को जचे वैसा हो और तभी वापस आना जब मेरी सारी इच्छा पूरी हो। दूसरे दिन सुबह सुल्तान दंग रह गए क्योंकि उसके सामने उससे महंगा और भी ज्यादा सुंदर महल था जो सब लोगों से अच्छा था। एक दिन अलादीन की शादी हो गई। बहुत साल बीत गए। अलादीन और राजकुमारी दोनों बहुत खुशी से एक दूसरे के साथ रहते थे।
एक दिन अलादीन अपने नौकरों के साथ शिकार पर गया। तब अफ्रीकन जादूगर फिर से आया। उसे अलादीन के धनवान होने की बात पता चली, जो मात्र चिराग के जादू से ही आ सकती थी। वो चिराग पाने के लिए सामान्य रूप लेकर बहुत सारे सुंदर चमकते चिरागों के साथ रास्ते पर निकला। पुराने देखकर नए लू, पुराने चिराग के बदले नया। सभी सेवक और नगरवासी पुराने चिराग देकर नए चिराग लेने लगे। राजकुमारी ने भी ये सुना और उसे वो पुराना चिराग याद आया जो अलादीन ने उसके कमरे में रखा था। उसने नौकर को नया चिराग लाने के लिए पुराना चिराग दिया। उसे उस जादुई चिराग की शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तब तक बहुत देर हो गई थी जब जादूगर ने जीनी के पास पूरा महल और राजकुमारी को खुद के देश अफ्रीका ले जाने के लिए कहा। अलादीन जब वापस आया तो दंग रह गया। उसका महल वहां से गायब हो गया था। सुल्तान के सिपाहियों ने अलादीन को तुरंत पकड़ लिया और उसे फांसी के लिए ले गए। और अलादीन दोनों हाथ जोड़कर बैठ गया अंतिम प्रार्थना के लिए। पर वो भूल गया था कि उसने अभी तक जादुई अंगूठी पहन रखी है, जिसके घिसने से जीनी प्रकट हुआ। क्या आदेश है मालिक? मुझे मेरी राजकुमारी के पास ले चलो। शब्द पूरे होते ही उसने देखा कि वो अफ्रीका में अपनी राजकुमारी के सामने है। राजकुमारी ने अलादीन को जो भी बात हुई सब बता दी, कि किस तरह जादूगर कैसे उसका प्यार जीतने की कोशिश कर रहा था। अलादीन ने राजकुमारी को जहर की बोतल दी और उसे जादूगर के प्याले में डालने को कहा। और जब वो उससे मिलने आए तब और खुद पास में जाकर छुप गया। रात को जब चांद दिखने के साथ ही जादूगर राजकुमारी से मिलने उसके कमरे में आया, लेकिन राजकुमारी इस बार रोने के बजाय राजकुमारी ने उसका हंसकर स्वागत किया और खुद के पास बैठने को कहा और उसे दूध का प्याला दे दिया। जादूगर ने उत्साह में प्याला पी लिया और अंतिम बूंद तक सारा दूध खत्म कर दिया और खुद की जान गंवा दी। अलादीन बाहर आया और जादूगर के शरीर में से चिराग निकाल लिया। जब उसने चिराग घिसा तो जीनी बाहर आया। उसकी मदद से महल और सब वापस आ गया। अलादीन राजकुमारी को सुल्तान के पास ले गया और पूरी जिंदगी सब खुशी खुशी जीने लगे। सोती हुई राजकुमारी। बहुत साल पहले एक राजा और एक रानी थे जो बहुत निराश थे। उनकी शादी को बहुत साल हो गए थे पर उनका बच्चा नहीं था। उन्होंने हार मान ली थी। अंत में उनके यहाँ एक लड़की का जन्म हुआ और उनकी अंतिम इच्छा पूरी हुई। सब जगह बहुत खुशी फैल गई थी। क्रिसमस समारोह में कोई कमी नहीं थी। राजा और रानी ने एक परी के अलावा सभी परियों को आमंत्रित किया था। वहां 13 परियां उपस्थित थी पर उन्होंने सिर्फ 12 परियों को ही आमंत्रित किया था। परंतु किसी के ध्यान में नहीं आया कि वहां 13 परियां उपस्थित थी। एक वृद्ध परी थी जो किसी को पसंद नहीं थी क्योंकि बाकी सभी युवा और सुंदर थी, इसीलिए कोई उन्हें बुलाता भी नहीं था। क्रिसमस के समारोह में 13वीं परी बहुत गुस्से में और हद से ज्यादा मेकअप लगाकर आई थी क्योंकि उसे नजरअंदाज किया गया था। वृद्ध परी को गुस्से में देखकर युवा परी ने अपने आप को छुपा लिया, जिससे वृद्ध परी ने जो नुकसान सोचा था उसका सामना कर सके और समारोह अच्छा बने। फिर परियां राजकुमारी को तोहफा देने लगी। पहली परी ने सुंदरता दी, दूसरी ने इंसानियत, तीसरी ने तेजस्विता, चौथी ने उसे अति सुंदर डांसर बनाया, पांचवी ने उसे सुरीली आवाज दी, छठी ने उसे सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने की कला दी। इन सब ने बहुत कुछ दिया। उसके बाद वृद्ध परी की बारी आई और वो गुस्से में राजकुमारी के पालने के पास आई और गुस्से में राजकुमारी को कहा,
उसके जीवन के 15वें साल में उसकी उंगली चरखे में आ जाएगी और वो मृत्यु को प्राप्त करेगी। उसके बाद वो मुड़ी और उस भयानक माहौल से चली गई, क्योंकि सब उससे गुस्सा थे और उसे कोसने लगे। ये देखते हुए युवा परी जहाँ छिपी थी वहाँ से बाहर आई। चिंता मत करो, ये सच है, आपकी बेटी मरेगी नहीं। मैं कोई परी की इच्छा को नाकाम नहीं कर सकती, परंतु आपकी बेटी नहीं मरेगी, वो नींद में चली जाएगी, जो कि 100 साल तक रहेगी, और उसके बाद एक राजकुमार आकर उसे जगाएगा और व्रत परी का श्राप पूरा हो जाएगा। राजा ने खुद की बेटी का जीवन चरखों से बचाने के लिए उसी वक्त आदेश दिया कि राज्य के सभी घूमने वाले चक्र और चरखों को जला दिया जाए। सभी परियों के आशीर्वाद सच होने लगे। लड़की सुंदर, दयालु, तेजस्वी होने लगी। अब वो लगभग 15 साल की हो गई थी। वो सब लड़के और लड़कियों के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी। जब उसके छुपने की बारी आई तो वो दूर तहखाने में जाके छुप गई, जो बहुत साल पहले बनाया हुआ था। वहां ऊपर एक छोटे कमरे में पहुंच गई और वहां जाकर देखा तो एक वृद्ध स्त्री चरखे के पास बैठी थी और चरखे के घूमने के साथ धागों के टुकड़े जुड़ रहे थे। ये क्या कर रहे हो आप? मैं चरखा चला रही हूँ। स्त्री ने राजा का आदेश सुना नहीं था कि सभी चरखे तोड़कर गाड़ दिए जाए, और ये लड़की कौन थी ये भी पता नहीं था। कभी तो मैं टुकड़ों में से लीनन काटती हूँ, कभी भेड़ की चमड़ी में से रुई काटती हूँ, कभी तो मैं स्त्रियों के लिए सुनहरे रंग के धागों में से वस्त्र भी बनाती हूँ। क्या ये कठिन काम है? हाँ हाँ, थोड़ा बहुत। मैं कोशिश करूँ? हाँ जरूर। स्त्री ने राजकुमारी को चरखे के पास बैठने दिया और चरखे की सुई की नोक राजकुमारी की उंगली में लगी और वो बेहोश हो गई। वृद्ध परी का श्राप सच हुआ। वृद्ध स्त्री मदद के लिए चिल्लाने लगी और रोने लगी, और लोग किले के कोने कोने से दौड़ कर आ रहे थे। सब ने पानी छिड़क कर राजकुमारी को जगाने का प्रयत्न किया, पर कुछ काम ना आया। ये बात पता चलते ही राजा ने आदेश दिया कि राजकुमारी को उसके मुलायम बेड पर सोने की रजाई उठाकर सुलाया जाए, जब तक 100 साल पूरे ना हो। जिस युवा परी ने राजकुमारी का जीवन बचाया था, उसे इस बात की खबर होते ही वो उसी वक्त 6 ड्रैगन के रथ में बैठकर राजा के महल के पास 1 घंटे में पहुंच गई। महल में से गुजरते हुए उसने राजा और रानी के अलावा सभी को बेहोश कर दिया। नेता, सेनापति, सैनिक, नौकर, सेवक, रखवाल, द्वारपाल, सभी को। तहखाने के बाहर की आग भी बुझ गई और फूल भी मुरझा गए, और राजा और रानी राजकुमारी को दुलार करके दुखी होकर महल को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। 1 घंटे में पेड़ की डालियों ने महल को चारों तरफ से जकड़ लिया कि कोई अंदर सोई हुई राजकुमारी को परेशान न करे। महल का सबसे ऊपर का हिस्सा हरे पेड़ के कारण कभी कभार दिखता। परी ने अपना काम अच्छी तरह से किया। 99 गर्मियां, 99 सर्दियां और बरसात बीत गए। एक दिन एक राजकुमार जंगल में शिकार करने के लिए निकला। उसने महल का नजारा देखा। उसने अपने सैनिक से उसके विषय में पूछा। एक ने कहा कि वो महल भूतों का था। उसके बाद एक दूसरे वृद्ध ने कहा, माननीय राजकुमार,
आज से 50 साल पहले मेरे पिता को मेरे दादा ने कहा, यहाँ जंगल में एक बड़ा महल है और वहाँ दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी ने जन्म लिया था। कोई दुर्घटना के कारण वो अंदर सो रही है, जिसे मात्र कोई राजकुमार ही जगा सकता है। राजकुमार का दिल ये सुनकर और जोर से धड़कने लगा। उसे सच जानने की इच्छा हो गई। उसने महल की तरफ प्रस्थान किया और पेड़ और डालियां काटकर अंदर गया। जैसे ही उसने डालियों को हाथ लगाया, वैसे ही सारे पेड़ के पत्ते झड़ गए और रास्ता बनने लगा। वो अपने घोड़े के साथ तहखाने में दाखिल हुआ। जैसे ही वो अपने घोड़े के साथ तहखाने के अंदर आगे चलने लगा, उसने एक बहुत ही विचित्र नजारा देखा। उसने वहाँ बहुत सारे घोड़े और इंसान देखे। पहले जब वो तहखाने से गुजरा जहाँ घोड़े और इंसान थे, उससे पहले लगा कि सब मर गए हैं, पर बाद में उसे लगा कि वो सो रहे हैं और शांति से नींद में सांस ले रहे हैं। अंत में वो राजकुमारी के कमरे में आया। सुंदर हल्की रोशनी में रेशम के बेड पर राजकुमारी नींद में थी। राजकुमार बेड के पास पहुंचा और राजकुमारी के चेहरे की तरफ बैठ गया। राजकुमारी की उंगलियां आरामदायक स्थिति में एक छोटे पप्पी पर थी, जो राजकुमारी की गोदी में सोया हुआ था। राजकुमारी के होंठ हंस रहे थे। उसने एक सुंदर सपने में राजकुमारी को सोते देखा और अंत में राजकुमार ने नजदीक जाकर राजकुमारी के माथे को प्रेम से चूमा। और अब राजकुमारी की नींद पूरी हो गई और उसके होंठ के स्पर्श से राजकुमारी जाग गई और श्राप पूरा हुआ। मैं आपकी सालों से राह देख रही थी। वो दोनों जहां जहां से गुजरे, आसपास के सभी लोग जाग गए। पूरा महल फिर से जगमगाने लगा और सब अपने काम में लग गए। राजकुमार और राजकुमारी एक भव्य कमरे में आए जहां स्वादिष्ट भोजन तैयार था। राजकुमार और राजकुमारी गहरे प्यार में डूबने लगे और अंत में उन्होंने शादी कर ली और फिर से त्योहार का माहौल छा गया और सब संगीतमय हो गया। रैपुंजल। एक समय की बात है, एक आदमी और उसकी पत्नी एक छोटे से घर में रहते थे, जो खूबसूरत बगीचे के नजदीक था, जो एक चुड़ैल का था। उसकी खिड़की में से फूल और औषधि उगते हुए दिखाई देते थे, पर कभी भी उसे लेने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो उसे लेने की हिम्मत करेगा तो चुड़ैल के काले जादू का शिकार बन जाएगा। एक दिन उसकी पत्नी को बुखार आया। उसे लगा कि अब वो मृत्यु को प्राप्त करेगी। अब उसे एक ही औषधि का रास्ता दिखा, औषधि रैम्पियन, जो चुड़ैल के बगीचे में उगती थी। उसका पति अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए कोई भी जोखिम लेने को तैयार था। एक दिन वो चुड़ैल के बगीचे की दीवार चढ़कर गया। वो रैम्पियन के पत्ते तोड़कर घर पहुंच गया। उसकी पत्नी ने वो खाई और वो स्वस्थ हो गई। पर ये सब लंबे समय तक नहीं चला। वो फिर से बीमार हो गई। इस बार उसे औषधि के पत्तों की जगह जड़ की जरूरत थी। खतरा मोल लेकर पति फिर से दीवार कूद कर गया और औषधि की जड़ उखाड़ने लगा। अचानक उसके पूरे हाथ में जलन होने लगी। उसने ऊपर देखा तो सामने चुड़ैल खड़ी थी। तू मेरे बगीचे में से रैम्पियन की औषधि चोरी कर रहा है। पर मेरी पत्नी इस औषधि के बिना मर जाएगी। उसने विनती की, पर चुड़ैल को कोई दया नहीं आई। जा, ले जा, पर औषधि चोरी करने के बदले में मैं तेरा पहला बच्चा ले लूंगी। मैं उसे जन्म लेते ही उठा ले जाऊंगी। अभी ज्यादा समय बीता नहीं था कि उनके घर एक लड़की का जन्म हुआ। अभी तो उसने दुनिया देखने के लिए आंखें खोली भी नहीं थी कि इतने में चुड़ैल आ गई उस बच्ची को लेने। बच्ची की देखभाल करने में वो चुड़ैल की हुई मांग को तो जैसे भूल ही गया था।
उसने बच्ची को अपने पास रखने के लिए चुड़ैल से गिड़गिड़ाकर भीख मांगी। वो फूट फूट कर रोने लगा, पर उसके आंसुओं का, उसके गिड़गिड़ाने का चुड़ैल पर कोई असर नहीं हुआ। वो बच्ची को निर्दयता से छीन कर ले गई। उस दिन से वो उसे दूसरे नाम से बुलाने लगी, रैपुंजेल, जो रैम्पियन का ही दूसरा नाम था। बहुत साल गुजर गए। रैपुंजेल दुनिया की सबसे सुंदर युवा लड़की दिखती थी। जब वो 12 साल की थी तब वो एक जंगल से घिरी हुई इमारत में रहती थी। इमारत में न तो सीढ़ियां थी ना ही दरवाजा। रैपुंजेल की खिड़की में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो था पेड़, जो दीवार से लिपटा हुआ था। जब चुड़ैल को जाना होता तब वो उसे बुलाती, रैपुंजेल, रैपुंजेल, तेरे बाल नीचे आने दे। लड़की के बहुत सुंदर और सुनहरे बाल थे। वो अपने घने लंबे बाल खिड़की में से नीचे फेंकती। चुड़ैल ऊपर चढ़ने के लिए उसके बालों का रस्सी की तरह इस्तेमाल करती। एक बार जंगल से गुजरते हुए एक राजकुमार रास्ता भटक गया। वो उस इमारत के पास से गुजरा। उसने बहुत सुंदर आवाज सुनी, ऐसा गाना गाते उसने कभी नहीं सुना था। इतने में उसने चुड़ैल की आवाज सुनी, रैपुंजेल, रैपुंजेल, तेरे बाल नीचे आने दे। उसने खूबसूरत सुनहरे बालों को नीचे आते देखा, जिस पर चुड़ैल चढ़कर गायब हो गई। राजकुमार ने उस लड़की को देखा जो बहुत अच्छा गाती थी। उसने चुड़ैल के जाने तक की राह देखी, फिर उसने कहा, रैपुंजेल, रैपुंजेल, तेरे बाल नीचे आने दे। सुनहरे बाल नीचे आए और वो इमारत पर चढ़ गया। जैसे ही उसने रैपुंजेल की सुंदरता देखी वो उसके प्यार में पड़ गया और उसे पत्नी बनाने के लिए पूछा। रैपुंजेल ने चुड़ैल के अलावा किसी को नहीं देखा था, इसीलिए वो खूबसूरत पुरुष को देखकर आकर्षित हो गई और उसके साथ भाग जाने के लिए तैयार हो गई। उसने कहा, जब भी तुम मुझे मिलने आओ एक रेशम की रस्सी लेकर आना, हम उसकी सीढ़ी बनाएंगे और उस पर मेरे बाल लपेटकर हम साथ में घूमेंगे और ढेर सारी मस्ती करेंगे। राजकुमार हर शाम उसे मिलने आता, क्योंकि चुड़ैल उससे दिन के समय में ही मिलती। भागने का दिन बहुत नजदीक था, जबकि रैपुंजेल को राजकुमार के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। रैपुंजेल ने चुड़ैल को कहा, किसलिए वो अच्छा नहीं हो सकता, तू तो मेरे राजकुमार से भी ज्यादा उठाने में भारी है। और चुड़ैल को लगा कि रैपुंजेल उसके खिलाफ जा रही है, इसीलिए गुस्से में आकर उसने उसके बाल ही काट दिए और खिड़की में बांध कर लटका दिए और रैपुंजेल को दूसरी खाई की एक गुफा में बंद कर दिया। राजकुमार शाम होते ही वापस आया और रोज की तरह उसे बुलाने लगा। उसके बाल नीचे आए और वो इमारत पर चढ़ गया, पर इस बार चुड़ैल ने उसे ऊपर खींचा। वो चली गई, तू उसे कभी नहीं देख पाएगा। और इसके साथ ही उसने राजकुमार को फेंक दिया। वो खिड़की में से ही सीधा कांटों की झाड़ियों पर गिरा और उसकी आंखों में से खून निकलने लगा। वो अंधा हो गया और पहाड़ों जंगलों में रैपुंजेल की याद में भटकने लगा। एक दिन वो एक खाई में पहुंचा जहां रैपुंजेल रहती थी। जैसे ही उसने राजकुमार को देखा रैपुंजेल दौड़ी और रोते हुए उसके आंसू राजकुमार की आंखों में पड़े और उसकी आंखों में फिर से रोशनी आ गई। फिर वो दोनों राजमहल में आए और शादी करके पूरी जिंदगी खुशी खुशी रहने लगे।